ही सोचिए अब ये करा दीजिए। अब तो अति है ना, कुछ होगा बुक होगा बेचारे। बहुत कमजोर हो जाएगी, जाने नहीं बुझाता। हर आदमी इतनी स्थिति भयावह है कि हर आदमी के अंदर एक भय व्याप्त हो गया है, चाहे वो कोई भी पेशा का हो। उसको लगता है कि जब दीन दहाड़े हत्या होने लगी थी, लालू राज को भी पार कर गया है, उसको लग रहा है पता नहीं कब हमारा नंबर आ जाएगा। इसलिए सरकार लगी हुई है, अब पहले तो सारे पुलिस वाले को दारू में भेज दी। कोई मर्डर हो गया तो कोई पुलिस वाला नहीं जाता था, लेकिन अगर दारू कहीं हो गया कि भाई दो चार कार्टून है तो सारा दौड़ चला जाता। अभी मैं आ रही थी तो देखिए कि एक चौक पर 10-12 पुलिस वाला खड़ा है। इसलिए भाई तो मोटरसाइकिल चेक कर रहा। अगर वो इतना ही तन्मयता से, इतने ही लगन से अगर वो अपराधी को पकड़ता और उसको सजा दिलवाता तो आज बिहार में इस तरह की खुलेआम दिन दहाड़े हत्या नहीं होती। मैंने इस तरह की हत्या हो रही है, अब आपको बता दूँ कि मधेपुरा के बिहारीगंज में एक 18-19 साल के लड़का को हत्या कर दिया, और ऐसा बेरहम हत्या कर दिया, दीन दहाड़े इसका सिर काट के फेंक दिया, और उसकी माँ के आंख से आंसू नहीं छूट रहा। एक किसान को गोली मार दिया दीन दहाड़े खेत में, मतलब। और अभी गोपालगंज में जैसे अभी सुने, अभी पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार जी बताए कि किस तरह एक ठेकेदार को एक इंजीनियर जला के अपने आवास में मार देता है, तो उसके अपराध का उसके अंदर जो आपराधिक छवि होगी, आपराधिक मन होगा, वो कितना बुलंद होगा। उसको भय नहीं लगा, डर नहीं लगा और उसको मार दिया। और इसके पहले भी आपको बताती हूँ मैं, गोपालगंज के भोरे में एक खुशबहा फैमिली ही बाहर से कमा के लाया था, पेट्रोल पंप अधि कर रहा था, उसको भी 50 लाख अपराधी मारा, उसको भी दिन दहाड़े हत्या कर दिया, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा, बस रोया गाया, नेता गया। और हम लोग तो दुख दर्द सुन लेते हैं, विवश हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब चुनाव के समय आएगा तब जनता से आह्वान करेंगे, या जीवन देने वाले का साथ लो या जीवन लेने वाले का साथ लो। हाँ, क्या कह रहे थे? डीजीपी को लगातार आवे कर रहे हैं, किसी ठेकेदार के घर पे ही जाके प्रशांत, अरे भाई तुम उसको जिंदा करने की शक्ति रखते हो क्या? तुम उसको जिंदा करो ना, अगर तुम्हारे अंदर नहीं तो मरने नहीं दो। तुम डीजीपी हो बिहार में, तुम्हारे अंदर पावर है कि तुम कानून व्यवस्था दुरुस्त कर सकते हो। खगड़िया में बहुत पहले अरविंद पांडे SP बन के गया था, सारा अपराधी जिला छोड़ दिया, जबकि वो एक चिड़िया को नहीं मारा था। तो मेरे कहने का मतलब है कि DGP है, आपको अगर पावर नहीं है, अंदर में शक्ति नहीं है, आप अगर अपराध को, क्राइम को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो आप किसी माँ बहन के आँख का आंसू नहीं पोछ सकते हो, तो आप रिजाइन कर दो। क्या करोगे रह करके? कोई इस तरह के रहने से, जिसके पास अंदर शक्ति नहीं है, इसको रहने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि बिहार जब लोग एक समय था जो हम कह रहे थे कि बिहार के नाम से बिहार जो बाहर रहता है बिहारी वो गर्व करेगा, आज बिहारी आके खुद बोलता है कि शर्म से मेरा सिर झुक जाता है। आज फिर वो स्थिति आ गई है कि बाहर में अपना परिचय नहीं दे रहा है कि हम बिहार के रहने वाले हैं। ना पलायन रुका है, ना क्राइम कंट्रोल हुआ है, और ना किसानों को कोई फायदा हो रहा है, ना नौजवानों को हो रहा, सबको उलझा के रख दिया जाता है। अभी ये वो पोस्टर टांग दिया उलझाने के लिए कि बिहार में बाहर है, क्या है नीतीश कुमार ठीक है क्या, ऐसे करके। तो आप बताइए, सब क्या उलझाने के लिए आप लिखे हुए हो? आप ठीक हो तो रहो ना, जनता से वोट मांगना। लेकिन हमें लगता है कि मेन मुद्दा से ध्यान हटा दिया गया है। बिहार की भयावह स्थिति है, मतलब हम क्या कहें, माँ बहनों का रोना हम देख नहीं पाते हैं, मेरा हृदय अपने द्रवित हो जाता है, और सरकार का हृदय नहीं पिघलता है। उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम क्राइम कंट्रोल करें, और बिहार की जनता जो 3-3 बार उनको भारी मतों से जिता करके मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है, वैसी जनता को वो सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनको सुरक्षा देने का काम करें। अगर सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है तो त्याग पत्र दे दें, जनता अपना चुन लेगी सुरक्षा देने वालों को, ये होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। बड़ी भयावह स्थिति है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।